71वीं बिहार राज्य फुटबॉल चैंपियन एसएम मोइनुल हक ट्रॉफी ग्रुप 3 का जल संसाधन मंत्री ने किया शुभारंभ। यह स्वच्छ बिहार अभियान के तहत डीडीसी ने श्रमदान में स्वयं लगाई झाड़ू लहरियासराय रेलवे स्टेशन एवं शनि मंदिर में। नए नियमावली के अनुसार दरभंगा एसएसपी के द्वारा बैच लगाकर 99 एएसआई और 55 पीटीसीएसआई को दिया गया कार्यकारी प्रभार। दरभंगा ललपट्टी में आपसी विवाद में एक युवक को घर में घुसकर मारी चाकू, उसकी मां भी घायल, डीएमसीएच में भर्ती। दरभंगा के सर्किट हाउस में राज्य महादलित आयोग के सदस्य के द्वारा दलित के विकास के लिए चलाए गए कार्यक्रम की समीक्षा की। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में नहाने गई बच्ची डूबी, 24 घंटे के बाद शव बरामद। दुष्कर्म पीड़िता दिव्यांग बच्ची की मदद में आगे आई मानव सेवा समिति। शुक्रवार को दरभंगा डीएम के जनता दरबार में पहुंचे फरियादी जमीनी विवाद के अधिकतर मामले। दरभंगा के एसएसपी के जनता दरबार में मिलने पहुंचे 40 फरियादी। दरभंगा में धू धू कर जल उठा एक चरपहिया वाहन, लोगों में मची अफरातफरी। राजकीय महारानी रामेश्वरी भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान में 48वां स्थापना दिवस मनाया गया। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा में प्रेस वार्ता का किया गया आयोजन। इस उद्घाटन में भारी संख्या में प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथि का स्वागत गान तथा दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस पर मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह, कुल सचिव होता होगा मेरे नॉलेज में नहीं, तो मुझे लगा कि ये अगर अभी दरभंगा या इस जोन को मिला है तो मैं तो जरूर एक मैच देखने जाऊंगा और कम से कम हम लोग जाएंगे और इसको कुछ प्रमोट किया जाए इस चीज को कि इस क्षेत्र में अब ये चीजें बदल रही है। इस एरिया में यहाँ के बच्चों में भी ये अपॉर्चुनिटी उनको। स्वच्छता ही सेवा है अभियान का शुभारंभ दरभंगा के लहरियासराय रेलवे स्टेशन परिसर एवं शनि मंदिर परिसर की सफाई किया गया। उप विकास आयुक्त प्रतिभा रानी ने श्रमदान के रूप में स्वयं झाड़ू लगाते हुए अभियान का शुभारंभ किया। जैसा कि हम लोग सब लोग जानते हैं कि अभी स्वच्छता के कार्यक्रम को बहुत सरकार के द्वारा प्राथमिकता दी जा रही है। बिहार में तो यह स्वच्छ बिहार अभियान के माध्यम से सभी क्षेत्रों में जो है साफ सफाई का कार्यक्रम शुरू किया गया और ये प्रयास किया जा रहा है कि हम लोग अपने ग्रामीण क्षेत्रों को भी साफ सुथरा बना। किया गया कार्यकारी प्रभार। बिहार सरकार के नए नियमावली के अनुसार दरभंगा के एसएसपी अवकाश कुमार ने आज बिहार पुलिस मुख्यालय के निर्देश के अनुसार दरभंगा जिले के कुल 99 एएसआई को सब इंस्पेक्टर के लिए कार्यकारी प्रभार दिया। वहीं 55 पीटीसी से एएसआई के लिए भी प्रभार दिए गए। आज वे सभी पुलिसकर्मियों को डबल स्टार बैच लगाया गया। बैच लगते ही सभी पदाधिकारी के चेहरे खुशी से खिल उठे। दरभंगा जिला में पुलिस मुख्यालय की ओर से जो अभी नई नियमावली बनी है कार्यकारी पदभार देने के लिए, उसके क्रम में कुल 99 एएसआई से सब इंस्पेक्टर की पदभार दिया गया, कार्यकारी पदभार दिया गया है और 55 एएसआई को हुआ है पीटीसी से एएसआई। तो जो अनुमंडल में है बिरौल और बेनीपुर में, वहाँ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बिरौल वहाँ पर उन लोगों को मीटिंग सेरेमनी कर रहे हैं और यहाँ पुलिस केंद्र में हम लोग सदर अनुमंडल के और जो कार्यकारी हमारे स्थित हमारे पदस्थापित पदाधिकारी हैं उनका आज मीटिंग सेरेमनी किया जा रहा है। इन सभी को
जो चार्जेस हैं इनके रैंक बदलने की वजह से जो चेंजेस होंगे वो नए चेंजेस इनको तुरंत ही इनको बता दें। समीक्षा की दरभंगा के राज्य महाद्वीप आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार पान ने कहा कि हमारी संख्या पूरी आबादी का 7% रहते भी राजनीतिक तौर पर हमारी उपेक्षा की जा रही है, इससे समाज के बीच भारी आक्रोश है। आगामी चुनावों में अगर पान चौपाल समाज को उचित भागीदारी नहीं मिलता तो समाज अलग राह पर चल सकती है। आज पदाधिकारियों के साथ इस बात पर समीक्षा की गई। ये हमारी जो आबादी है पान चौपाल समाज की पूरे बिहार में पूरी आबादी का 7%, लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारी जो अनुपात है उसके अनुपात में हमारे हमें हिस्सेदारी नहीं मिल रही, तो इसी के लिए पूरे बिहार का हम लोग जागरूकता अभियान चला रहे हैं, समाज संगठित होकर हकूक की लड़ाई के लिए आगे आए। और सरकार से हम लोग मांग रखेंगे कि आने वाले जो लोकसभा चुनाव है उसमें भी जो रिजर्व सीट है उसमें पांच चौपाल समाज के लोगों को दिया जाए, किसी किसी को एक दो टिकट, और विधानसभा में भी जो अनुपात में हमारा आबादी है उस अनुपात में हमें। थाना के अललपट्टी में पुराने विवाद को लेकर के नीतीश कुमार नामक 22 वर्षीय युवक की घर में घुसकर चाकू से मारकर हत्या करने का प्रयास किया गया। चाकू उसके शरीर में 2-3 जगह लगे हैं। इसके बाद पुलिस वहां पहुंची। बेता थाना प्रभारी किसी तरह इसे लेकर दरभंगा DMCH में भर्ती की जहाँ इसका इलाज चल रहा है। घर में घुस के हमर बेटा ओकरा कनी नंगरे बैठे ओके की मार बा दुनू के की भेले नहीं भेले से बाहर में से नहीं कहवा, लेकिन हम बेटा के बोला बोली हो चले तब पकड़ के हम लो जे बात खत्म हो गया। घर में घुस के पीतम्बर पासवान ओकर बेटा कन्हैया पासवान पीतम्बर पासवान के भतीजा आके घर में चक्कू हमारा बेटा के 3-4 जगह चक्कू मार के लग आईठाम हिया पर कुशेश्वर स्थान में अन्य लड़कियों के साथ 12 वर्षीय एक लड़की एक गड्ढे में जो JCB से मिट्टी खोदा जाता है उसे गड्ढे में स्नान करते डूब गई। 24 घंटे तक ढूंढने के बाद उसका शव नहीं मिला। बाद में खुद आसपास के लोगों ने कहा कि एक शव दिखाई दे रहा, नाव से ढूंढने पर पता चला वो लड़की है, उसे DMCH पोस्टमार्टम लाया गया है। तो उसके कारण मतलब पता है ना, बच्चे में नहाने का भी मन कर गया, नहाने के लिए गया, जैसे भी मट्टी उसे कटा हुआ था तो ज़्यादा गंदा पानी आया था, बाढ़ का पानी था, उसके वजह से बहने के बाद नहीं मिला। हम लोग ने कंप्लेन शिकायत दर्ज किया थाने पर जाकर। आने वाले थे, फिर से आने वाले थे बच्चे लोग, होता है ना गाँव के आसपास लेटरिन बाथरूम करने आता है, तो वो लोग ने बताया कि आइए यहाँ पर मूर्ति है। मैंने देखो ध्यान से, मूर्ति नहीं होगा, लड़की एक आई है डूबते होगा। तो फिर बताया वो लोग कि हाँ लड़की है, फिर हम लोग नाव से उस पार गए। मालपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में एक परफाड़ा पूर्व एक दिव्यांग बालिका के साथ हुए दुष्कर्म की घटना के बाद मदद पहुंचाने के लिए मानव सेवा समिति के संस्थापक प्रोफेसर जयशंकर झा पहुंचे। इस मौके पर होली मेरी इंटरनेशनल स्कूल चेयरमैन शिव किशोर राय भी मौजूद थे। इस मौके पर सभी ने जख्मी बालिका के इलाज गरीब माता पिता के 10,000 रुपये भी दिए एवं उन लोगों ने कहा कि मुकदमे के स्पीडी ट्रायल हो। मनुष्य में निर्दयी का कोई जगह नहीं है, निर्दयी है एकदम। यहाँ के लोग खास करके यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, यहाँ पे कुछ सक्षम व्यक्ति हैं, मैं उनसे आग्रह करूँगा, जैसा बता रहे हैं यहाँ के समाज के लोग कि यहाँ जो भी प्रतिनिधि है वो भी थोड़ा सा मानवता से लेकर के आगे आना चाहिए उन लोगों को, और सही अच्छा इन लोगों को जो न्याय मिलना चाहिए उसमें सहयोग कर। जिसमें पहले ही ऑनलाइन सभी बुक कर अपनी समस्या को रखते हैं ताकि DM इसका निदान कर सकें। प्रखंड को दिए फॉरवर्डिंग करके, उसके बाद जो है सो फिर घर को जांच करने के टाइम में क्या घर के जांच के चलते आवास को जब जांच की गई प्रधानमंत्री आवास योजना में, जब हमारे घर पर DDC पहुंचे और प्रखंड के जो भी अधिकारी हो
वो भी अब पहुँचे साथ के, तो DDC के समक्ष में जहाँ पर झोपड़ी का अधिक फोटो लेना चाहिए उसके बाद पक्का मकान को ले लिए, उसके बाद जब हम रिपीट किए कि सर हमारे तो झोपड़ी का घर है। का यूँ तो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों जनता दरबार चलता है। जनता की सुविधा के लिए थाने पर जाकर ऑनलाइन वो समस्या सुनते हैं ऑफिस बैठकर, वहीं अगर कोई उनसे सीधे मिलकर अपनी समस्या रखना चाहता उससे भी मिले। 40 से ज्यादा लोगों की समस्या सुनी गई। कर्मी पाया आग पर काबू। दरभंगा के पुअर होम चौक के पास उस समय अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई जब एक चरपहिया वाहन अचानक धू धू कर जल उठा। मौके पर मौजूद लोगों ने तत्परता दिखाते हुए अग्निशमन कार्यालय को फोन किया तो वहीं पर दो गाड़ी अग्निशमन की पहुंची और आग पर काबू पाया। बताया जाता है कि बेलादुल्ला रानीपुर के रहने वाले श्रवण कुमार झा की यह गाड़ी है। वह पुअर होम चौक के पास खरीदारी करने के लिए आए थे, तभी वह गाड़ी खड़ा कर वह खरीदारी करने चले गए और 10 मिनट के अंदर ही उनकी खरीदारी में अचानक आग लग गई। आग लगने की वजह मौजूद अग्निशमन के कर्मी बैटरी की शॉर्ट सर्किट बता। लेना था 10 मिनट में नहीं हुआ तब तक हल्ला हुआ, गाड़ी में आग लग गया, गाड़ी में आग लग गया हमको, लेकिन बाद में बाहर निकले तो बोला कि मेरे ही गाड़ी में आग लगा हुआ है। तो गाड़ी में कैसे आग लगी आपको पता नहीं? जी नहीं, एकदम गाड़ी लगा है, यहाँ कहीं कुछ नहीं था, गाड़ी लगा है और गए हैं कपड़ा लेने। कौन सी कंपनी की गाड़ी थी, कब लिए थे? जी 2021 15 दिसंबर 2021 को लिए थे। क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर राजीव कुमार के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया जिसमें उन्होंने जुलाई 2023 सत्र में विभिन्न पाठ्यक्रमों में ऑनलाइन नामांकन एवं पुनः पंजीकरण से संबंधित जानकारी दी। इसके अंतर्गत इग्नू द्वारा संचालित किए जा रहे स्नातक पाठ सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है जो कि हम लोगों के लिए बहुत गौरव की बात है। क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा के अंतर्गत पिछले जुलाई 2022 के तुलना में 2023 में अगर मैं बात करता हूँ तो हम लोग 14% अधिक छात्रों का नामांकन हुआ है और प्रवेश की तिथि अभी भी है 20 तारीख तक। इसके अलावा क्षेत्रीय केंद्र ने कई ऐसे प्रयास किए हैं जिसके तहत अगर मैं बात करता हूँ कि हम लोगों ने अपने अध्ययन केंद्र को संस्थान में अर्थात स्थापना दिवस मनाया गया। इस स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसका उद्घाटन प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर शंभु शरण एवं पूर्ववर्ती चिकित्सक छात्रों के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में पूर्ववर्ती चिकित्सक छात्रों परिसर का मनाने का मौका मिला है और ये कार्यक्रम में देखें पूर्ववर्ती छात्र हमारे हमने उनको प्राथमिकता दी है ताकि मुझे इस कॉलेज के इतिहास का थोड़ा सा